وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. तो ये अल्लाह ताला के बुनियादी तरीके आजमाने के क्या दो तरीके हैं? कभी अल्लाह ताला बंदों को आजमाता है कुछ देकर, और कभी अल्लाह ताला बंदों को आजमाता है कुछ लेकर। कुरान की आयतों का खुलासा है, वल नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुऊ वनक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वत्तमरात। ये अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तुम्हें आजमाएंगे कैसे? कुछ लेकर, कभी हम ये ले लेंगे, कभी हम ये ले लेंगे, कभी हम ये ले लेंगे, कभी हम ये ले लेंगे। सारी अनवा बड़ी तफसील है उसकी। बस कभी अल्लाह आजमाता है कुछ देकर कि क्या करते हो तुम, क्या कर, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कभी कुछ लेकर मिली हुई ने वो छिन गई। तो अल्लाह देखेंगे ये क्या करता है, अब ये क्या करता है, किसी को गरीब कर दिया, किसी को फकीर कर दिया, किसी के साथ कोई, तो अल्लाह ताला देखते हैं ये क्या कर रहा है, ईमान का इख्तियार है। ये नहीं है कि मेरा काम हो गया, और ये नहीं है कि बड़ा होता, बड़ी डिग्री, पैसा, कोठियां, बदले आ गए तो मैं कामयाब हो गया। ये किसने कहा? अल्लाह आजमा रहा है, अल्लाह ताला आजमा रहा है कुछ देकर, और अल्लाह ताला आजमा रहा है कुछ लेकर। किताबों में वाकई लिखा हुआ ना, आजमाइश समझाने लगा हुआ आजमाइश कि कामयाब लोग कौन है। पांच किताबों में ये वाक्य सुनने लगा, छोटा सा आजमाइश, कामयाब लोग कौन है। इस वाक्य की रिश्वत दे रही है शेख अकबर बहादुर चिलानी रहमतुल्लाह की तरफ। ये उनका वाक्य है कि किसी ने आके खबर दी, हजरत ओ जो नाकों का पैरी बेड़ा आपका आ रहा था ना सहारे तिजारत वाला, वो समंदर में डूब गया, वो समंदर में डूब गया। तो अभी ना तो कहता इन्होंने क्या किया, आप कुरीबीन और अहबाब मजलिस सारे बैठे हुए, ये बैठे हुए दरमियान में अब इन्होंने सारे काम छोड़ के दिल पे तवज्जो डाली, और तवज्जो डाल के थोड़ी देर सर उठाया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने काम पे लग के दोबारा इस काम पे लगे हुए थे, लोगों की आवाज, नसीहत, लोगों से लोगों की तबलीग और उनको नसीहत, उस काम पे दोबारा लगते तो लोगों की आखिरत पर। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी आया, उसने आके गाल लगा, हजरत को खबर थोड़ी सी चूक हो गई, गलत थी, वो जहाज किसी और का डूबा, आपका बच गया। तो इन्होंने फिर थोड़ी देर पे तो वचन डाली और सर उठाया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर अपने काम में लग गए। तो मजलिस खत्म हो गई, तो एक मुरीद आगे बढ़ा, उसने कहा हजरत ये कुलिया समझ नहीं आया कि लाखों का जहाज चला गया तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और लाखों का जहाज बच गया तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है। वो कहने लगे भाई इतना जहाज के आने पे अल्हम्दुलिल्लाह, ना जहाज के जाने पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये तो आजमाइशें हैं, ये तो इम्तिहान है, ये तो हमारा इम्तिहान है। जो ही उस बंदे ने आगे कहा ना कि लाखों का जहाज गया तो मैंने अपने ईमान का जायजा लिया, दिल ऊपर नीचे तो नहीं हुआ, तो मैंने कहा नहीं, दिल कह रहा है कि रज़ाक है, रिज़्क क्या रज़ाक है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान सलामत है। और जब उसने आगे कहा कि बच गया, तो माल आने से क्या होता है, तब सपोटा हो जाता है, माल आने से क्या होता है, आदमी की तबीयत बदल जाती है, आनंद बदल जाती है। अल्लाह ताला माफ करे, हम तो सूट ही अच्छा पहन ले तो हमारी चाल बदल जानी है, अब तो चूदा ही अच्छा पहन ले तो हमारी चाल बदल जाऊंगा। मजाज के साथ भाई, दुनिया का कोई सबब और कोई नक्शा मसले बयान करने की जगह नहीं है, लेकिन इसके अंदर वो भी आता है, अगर उसके अख्तियार करने से आत्मा की हालत बदलती हो उसका इस्तेमाल करना जायज नहीं है, देखे इसकी चाल बदल जाती हो। जो फ्रंट पर गाड़ी पर बैठ के उसकी हालत बदल जाए ना, ये फ्रंट पर बैठने के काबिल नहीं है। इसकी हालत बराबर हो, ये फ्रंट पे हो या पीछे हो, ये बराटों पे हो या साइकिल में हो, ये बराबर हो, ऐसा आदमी के लिए ये असबाब इस्तेमाल करने की इजाजत है। अरे तुमको चढ़े ना बैतुल मुकद्दस पता करने के लिए, अरे तो अभी लाओ घोड़ा और लाओ सूट पहनाओ, अमीर उन्होंने कहा चलो भाई अमरों की बात मानो आप घोड़े पे, और तो भाई उम्र की हालत बदल गई, उतार मुझे नीचे, और तो उम्र का अंदर बदल गया है, ये क्या हो गया भाई, तो उम्र का अंदर तो बदल गया है, उम्र का अंदर बदल गया, उतारो लाओ ऊट और लाओ वही पहने वाला, 17 पठारह पैबंद वाला कुर्ता ले गया वही पहनेंगे, ये उम्र नहीं पहन सकता इसको, उम्र के तो अंदर बदल गया। तो ये साबित है उम्र के लिए नहीं है, ये तयामत तक के लिए है।